Hello dear students, welcome again to my channel Maths with Pooja. We are doing chapter number 3, linear equations in two variables, बल्कि pair of linear equations in two variables. इसकी introduction मैंने आपको दे दी थी और मैंने बताया था कि graphically solution कैसे exist करेंगे और हमने एक table भी देखी थी जहाँ बिना graph की help से भी हमें direct पता लग जाएगा कि उस pair का solution available है या नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद अब हम एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के, एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.1. चेक ग्राफिकली, देखो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है. चेक ग्राफिकली ये कह रहा है कि ग्राफ से ही चेक करो वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये आपका पेयर ऑफ इक्वेशंस है, इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अगर किसी पेयर का केवल एक सॉल्यूशन हो या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, इन दैट केस द पेयर इज नोन एज कंसिस्टेंट पेयर. इफ देयर इज नो सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर दैट पेयर, देन दैट विल बी नोन एज इनकंसिस्टेंट पेयर. गॉट इट? तो ये कहते हैं कि ग्राफिकली चेक करो कि कंसिस्टेंट है या नहीं है. अगर है, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, सॉल्यूशन भी ग्राफिकली ही निकालना है, ग्राफ की हेल्प से निकालना है. कंसिस्टेंट दो कंडीशन में होगा, या तो पेयर ऑफ लाइंस कहीं इंटरसेक्ट करते हो तो वो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज दोनों लाइंस को इंसिडेंट हो जाएंगी और उस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो कि उन पेयर के सॉल्यूशंस होंगे, तो हम उनमें से कोई भी एक दो पॉइंट एज ए सॉल्यूशन बता सकते हैं. और अगर लाइंस पैरेलल आ जाएंगी तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. अब मैं यहाँ एक सजेशन आपको देना चाहूँगी. मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, एक टेबल बताई थी, लास्ट लेक्चर में नहीं देखा हो तो देख लेना, लिंक आई बटन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कि हम इसको देख के और एक छोटा सा रेशियो निकाल के पता लगा सकते हैं सॉल्यूशन है या नहीं. बुक वाले ने ग्राफिकली बोला है, बट हम पहले एक बार आइडिया ले लेते हैं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो भी हमें पता लग जाएगी. और वो मेथड मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम इनके कोफिशियंट्स लेंगे, है ना, इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन से, इसको कंपेयर करेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू से. ये करना नहीं है, मन में करना है, दिमाग में करना है. ये भी आपको लिख के इसलिए दिखा रही हूं कहीं आप भूल ना गए हो, अदरवाइज वर्बली है. देखो 1/2 और 3/-3-1 तो इक्वल नहीं है, और जब ये रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका केवल एक सॉल्यूशन आएगा. मुझे तो एक 10 सेकंड भी नहीं लगे इसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि प्रैक्टिस है. आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कुछ भी नहीं लिखना. आपको पता है ए वन वन है, ए टू टू है, देखो जरा बी वन थ्री है, बी टू माइनस थ्री है, मेरी फिंगर को और उसको साथ साथ देखना. तो ए वन बाय ए टू आ गया बेटा 1/2, बी वन बाय बी टू जब इन दोनों को डिवाइड करोगे -1, और ये दोनों इक्वल नहीं हैं. और हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में, आपकी बुक में भी टेबल बनाई हुई है, अपनी बुक में देख लेना, नई बुक में पेज नंबर 26 पर है टेबल, और अदर बुक्स में भी आप देख सकते हो. तो ये हमारा जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है, और इसकी वजह से केवल एक सॉल्यूशन आएगा. इट मीन्स जो मेरी लाइन्स आएंगी ना वो इंटरसेक्टिंग आएंगी. अब इससे क्या मदद मिली, इससे क्या हेल्प मिली, इससे ये हेल्प मिली कि अगर हम गलत कर भी रहे होंगे तो हम बात को पकड़ लेंगे कि नहीं, लाइंस को ना इंटरसेक्टिंग होना है. ठीक है, ये सब वर्बल काम था, इतनी देर लगनी नहीं थी, बिल्कुल वर्बल. 1/2 -1 बराबर नहीं है. ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब पहले इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. इसमें से दो या तीन वैल्यूज आप फाइंड करके टेबल बनाएंगे. लेट, देखो बेस्ट क्या रहता है कि एक बार x को 0 रखो, एक बार y को, x को 0 रखो तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3 यानी कि 2. मैं यहाँ पर टेबल बना भी देती हूँ इसकी. ये x लिया मैंने, ये y लिया, x 0 y 2. अब हम ले लेते हैं लेट, या पुट भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू 0. अब आप जब इसमें y को 0 पुट करोगे तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 और x 6 आ जाएगा, तो x 6 y 0.
अब मैं देखो मैं इमेजिन खुद कर रही हूँ, मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो मेरा उधर 5 आएगा और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूंगी मैं यहाँ 3 रखूँ। मैं अब एक्स को 3 पुट कर रही हूँ इसमें, ध्यान देना क्योंकि अब वो अब आप देखो 3 + 3y = 6, 3 उधर जाएगा तो 6 में से माइनस होकर 3 ही आ जाएगा और 3 से 3 कैंसिल होकर y की वैल्यू 1 आ जाएगी, मुझे हॉल नंबर्स मिल जाएंगे, नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे y1 और x3। ये टेबल बन गई, 3 पॉइंट्स आ गए। साइड में अपना ग्राफ पेंसिल पेन की हेल्प से और ग्राफ पेपर में करना, फेयर नोटबुक में ग्राफ पेपर पर करके उस पर स्टिक कर देना, चिपका पेस्ट कर देना उस पर, उसको ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना और उसको कट करके नोटबुक पे पेस्ट कर देना। अदरवाइज आप पूरी इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को जैसा आपकी टीचर बोले आप ग्राफ नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर से रब कर देते हैं, ये आपको समझ आ ही गया होगा कंसिस्टेंट का मतलब। ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये हमारा वाई एक्सिस है, मैंने इधर कम रखा है क्योंकि मेरे सारी वैल्यूज मैंने पॉजिटिव ली हैं। वाई डैश ये ओरिजिन है तो एक्स की वैल्यू 6 तक जा रही है, 1, 2, 3, 4, ये जो मैं पेन से ऐसे मार्क कर रही हूँ ना, ये सब आपने स्केल या कंपास की हेल्प से सारा करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं नोटबुक पर इसलिए नहीं बता रही, अब आप बड़ी क्लास में हो गए तो इतना तो आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो। दो एक नेगेटिव वैल्यूज भी यहाँ शो कर दो। अब हम पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x0, y2, x6, y0, वैसे तो इन दोनों से ही मेरा काम चल जाता, और x3, y1, तो x3 और y1 कहीं यहाँ आएगा मेरा, आप ऐसे ये भी कर सकते हो, और स्केल की हेल्प से इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे। मैं फिर बोल रही हूँ, यू मस्ट गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आप आएगी स्ट्रेट ही आएगी आपकी लाइन, ये थोड़ा सा वैसा होता है ये वाला बोर्ड ना, सिल्की जो चौक वाला बोर्ड होता है उस पर स्ट्रेट लाइन खींचना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ आ गया, ठीक है भाई। अब हम सेकंड पर आ जाते हैं, सेकंड से पॉइंट्स ले लेते हैं, तो क्या है भाई सेकंड इक्वेशन, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, हाईलाइट कर लो इसको। हमने मान लिया x 0 है, भाई वैल्यूज तो नेगेटिव भी आ रही है, देख लेंगे, x 0 है तो 2 × 0 - 3y = 12, ये तो 0 ही रह जाएगा, तो -3y = 12, y = 12 / -3 यानी -4। टेबल कहाँ बनाऊँ मैं, टेबल मैं इधर बना देती हूँ भाई, ये देखो अलग से बना देती हूँ ब्लैक कलर से ताकि आपको विजिबल हो जाए यहाँ पर टेबल। ये मैंने x ले लिया बेटा और ये मैंने y ले लिया, जब मैंने x को 0 लिया तो y -4 आ रहा है, तो y को मैं ले जाऊँगी -4 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम y को 0 ले लेते हैं, अब हम y को 0 ले लेते हैं और इसमें पुट करते हैं, तो 2x यहाँ 0 रखोगे तो 0 आएगा, 2x = 12, और बेटा जी x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x 6 और y 0। देखो जरा, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, आप चाहो तो कोई और वैल्यू 3 ले लो, x को 3 ले लो, x को 3 लोगे तो 3 × 2 = 6, ये -2 आ जाएगा आपका, ध्यान देना है। एक और वैल्यू ले देती हूँ मैं, x को मैंने 3 ले लिया, ध्यान देना, तो यहाँ 3 रखूँगी तो 3 × 2 = 6 -3y = 12, 6 राइट में चला जाएगा, 12 में से माइनस हो जाएगा और 3 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी। जब मैंने x को 3 लिया तो y -2 आया, आप एग्जाम में भी जल्दी है तो ऐसे हाईलाइट कर सकते हो तो एग्जामिनर को पॉइंट्स दिख जाएंगे, x3 y -2। अब इनको प्लॉट करो, x3 और y -2, ये कुछ यहाँ पॉइंट आएगा, इन तीनों को ज्वाइन कर दो और ये लाइंस दोनों क्या आ रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, तो यस द सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब आप क्या लिखोगे, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये हमारा फर्स्ट लाइन का ग्राफ है, ये हमारा सेकंड का ग्राफ है और इसने बोला है कि ग्राफिकली चेक करें कि इनका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा इधर से रब कर देते हैं कि भाई क्योंकि ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यस सॉल्यूशन इज अवेलेबल, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, बिकॉज ग्राफ ऑफ या लाइंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2 आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है,
ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट. सो वन यूनिक सॉल्यूशन इज देयर या यूनिक सॉल्यूशन इज अवेलेबल एंड हैंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. क्लियर हो गया, ये लिख लेना, सिस्टम इज कंसिस्टेंट. और अब इसने बोला है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन भी ग्राफिकली बताओ. सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन वो पॉइंट होगा जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, और वो पॉइंट ये रहा जो कि इजीली यहां पर विजिबल है, 6,0. तो यहां हम लिख देंगे हैंस द सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया. अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन हमने बता दिया. अब हम सेकंड एग्जांपल पर प्रोसीड करते हैं. अब देखते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 2. बिल्कुल वही तरीका है, लेकिन आप लैंग्वेज देखो, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है बुक वाले ने. क्या कहता है? ग्राफिकली, पहले बोल दिया ग्राफिकली, फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस. ये हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें यहां पर गिवन है, जो मैंने यहां राइट कर दिया है, हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, वही बात आ जाती है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. पूरी मतलब हर बात को आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. कंसिस्टेंट है तो भी वही बात है, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाली. इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन है. इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कंसिस्टेंट है. पैरेलल लाइंस है, इनकंसिस्टेंट है. कोइंसिडेंट लाइंस है तो कंसिस्टेंट है. तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से बात को घुमाकर आपसे पूछ सकता है. तो ये तो हो गई भाई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. इसको क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं. फ्रैक्शन वाले पार्ट को खत्म कर दिया करो, या ऐसा कर लो एलसीएम मत लो. 5 है ना, तो सबसे बेस्ट है मल्टीप्लाइंग बाय 5 बोथ साइड्स. ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5. जब यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 15x, यहां 5 से करोगे, 5 से 5 कैंसिल, 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब एक चीज और देखो, 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 5. लिखने की जरूरत नहीं थी बट मैं आपको बता रही हूँ. तो इसको 5 से डिवाइड करोगे ये बनेगा 3x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं 5x, 3 5 जा 15 ना 5x. इसको जरा आप ध्यान से देखो, जो ये इक्वेशन आई है, दिस वन एंड दिस फर्स्ट वन बोथ आर सेम. फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी सिंपल थी, हमें कुछ चेंज नहीं करना था. इसमें फ्रैक्शन था, उसको रिमूव करने के लिए आप चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो. मैंने कितने से डिवाइड कर दी, हाँ ये उल्टा लिख गई ना मैं यहाँ पर, डिवाइडिंग बाय 3, 3 से डिवाइड कर दो. तो आप देखो कि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम इक्वेशन आ गई, सेम इक्वेशन आ गई, तो ग्राफ भी सेम बनेगा. यानी दोनों लाइंस कोइंसिडेंट आएंगी, दोनों लाइंस सेम आएंगी, बिकॉज 1 and 3 रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन. ठीक है, रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन, सो देयर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग देयर ग्राफ है ना, सो द लाइंस रिप्रेजेंटिंग देम, ऐसे भी लिख सकते हो, सो द लाइंस रिप्रेजेंटिंग देम आर कोइंसिडेंट. भाई लाइंस कोइंसिडेंट है तो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं. अब हम 1 और 2 से पुट करेंगे, सुनो मेरी बात को ध्यान से. 1 को पकड़ो, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. पहले इससे सॉल्यूशन निकालो. अगर मैं 0 लेती हूँ x को तो 1 बाय 8 समथिंग आएगा. अगर मैं इसको 2 लेती हूँ, देखो यहाँ पर अब ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा. हम x को 0 ले लेते हैं. अगर हम x को 0 लेते, जाएगा ये फ्रैक्शन में, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा. हम x को 0 ले लेते हैं तो ये बनेगा 0 माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 8y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 बाय 8, और 1 बाय 8 का मतलब हो जाएगा 0.81 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40. ये समथिंग आएगा हमारा. तो यहाँ x और यहाँ y अगर मैं टेबल बनाती हूँ, इन्होंने बुक में तो आपका ग्राफ दे ही नहीं रखा, उन्होंने बोल दिया कि अपने आप ड्रॉ करो.
तो एक्स जीरो है और ये हमारा वन बाय एट है। अब मैं अगला ले लेती हूँ इसी के अंदर वाई जीरो। ध्यान देना, मैं वाई को जीरो लेती हूँ तो मेरा बनेगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 बाय 5 यानी कि माइनस 0.2, 5 × 2 = 10। तो भाई y को 0 ले लिया और ये आ गया माइनस 1 बाय 5। हम यही दो पॉइंट्स ले लेते हैं और अपना ग्राफ यहाँ साथ के साथ ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस और बेटा जी ये मेरा वाई एक्सिस, ओरिजिन सब कुछ आपने दिखाना है। फ्रैक्शन में जा रहा है तो 1 को अच्छा दूर तक ले लो, माइनस 1 और ये 1 और ये माइनस 1। एक्स जीरो है और वाई 1 बाय 8 है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये 1 है, 1 का हाफ करोगे तो ये 1 बाय 2 है, उसका भी हाफ करोगे तो ये 1 बाय 4 है और उसका भी हाफ करोगे तो ये 1 बाय 8 है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। y 0 है और x माइनस 1 बाय 5 है, यानी इसके 5 पार्ट कर लो, 1, 2, 3, 4, तो माइनस ये हमारा है माइनस 1 बाय 5। तो ये हमारी जो आएगी ये लाइन आएगी फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हुए। अब मैं यहाँ से इरेज करते हुए, साफ करते हुए आपको सेकंड का ग्राफ इसी से, उसने यहीं से करेंगे हम, ये तो हमने चेक किया है अपने आप से, हम यहीं से करते हैं। इन इक्वेशन नंबर सेकंड में एक्स को जीरो पुट करती हूँ, ध्यान देना भाई। तो ये बन गया 0 - 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, इस नेगेटिव पार्ट को मैं उधर ले जाती हूँ, 24/5y इज इक्वल टू 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 24y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/24 यानी 1/8। बिल्कुल वही टेबल आपके सामने आ जाती है यहाँ पर, ये x और ये y। जब मैंने x को 0 लिया तो मेरा y 1/8 आ गया। अब आप y को 0 लो, अब आप इसी इक्वेशन में, यहाँ ध्यान देना, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन नंबर सेकंड। वाई को जीरो लो, जब आप वाई को जीरो लोगे तो 3x प्लस माइनस 0 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, केवल 3x और 3/5 रह जाता है, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 3/5, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाती है माइनस 1/5। तो वही पॉइंट्स हमारे फिर से आ जाते हैं, यही हमारी सेकंड लाइन की इक्वेशन आ जाती है, सेकंड लाइन का ग्राफ आ जाता है। तो हम ये लिखेंगे कि वी कैन सी बोथ इक्वेशंस हैज सेम सॉल्यूशन एंड द लाइंस आर कोइंसिडेंट, द लाइंस आर coincident, hence given system has infinitely many solutions। आपकी बुक में इसका ग्राफ गिवन नहीं है तो उसके लिए आपको 2-3 पॉइंट लेकर वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई किया। जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही थी, यूनिक सॉल्यूशन था। सेकंड एग्जांपल में हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिल रही हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दोनों ही कंसिस्टेंट है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल रह जाता है थर्ड, उसमें देखते हैं कैसा ग्राफ हमारा खिंचता है, कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है। लेट्स सॉल्व लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। स्टेटमेंट आई विल नॉट राइट, तो आप अपनी बुक सामने रखें, आई विल रीड द स्टेटमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेटमेंट। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा एक सेल में जाती है पैंट्स और स्कर्ट्स परचेज करने के लिए। When her friends ask her how many of each she had bought, she answered। उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि भाई तुम कितनी पैंट्स लाई हो और कितनी स्कर्ट्स लाई हो, तो उसने जो आंसर दिया वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। She said that the number of skirts, is 2, ध्यान देना है, the number of skirts is 2 less than, ध्यान देना, twice the number of pants purchased, यानी कि जितनी pants उसने ली हैं उसके double से दो skirts कम ली हैं। The number of skirts is 2 less than किससे, इस बात को पकड़ो,
ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स शी परचेस्ड। लेकिन फिर उसने एक बात और भी कही, उसने ये कहा ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स, फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स शी परचेज्ड। ये बात उसने अपने फ्रेंड को बताई कि मैं, पहले उसने बोला कि मैं जितनी पैंट्स लाई हूँ उनके डबल से दो स्कर्ट्स कम हैं। अगर मैं स्कर्ट्स को वाई मान लूँ, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को, और नंबर ऑफ पैंट्स को एक्स मान लूँ, ध्यान देना मैं सॉल्यूशन ही करा देती हूँ साथ साथ, लेट नंबर ऑफ, इसी से करते हैं, लेट नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, ठीक है, विच चंपा ने माना एक्स पैंट्स परचेज्ड की, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड कितनी हो गई वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देंगे अब आप, बहुत आसान, बहुत ही आसान है, करना क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी वाई इज टू लेस देन फ्रॉम दिस वन, ये क्या है, ये पैंट्स का डबल है, पैंट्स कितनी है एक्स, एक्स का ट्वाइस का मतलब डबल कर लो, ये कितना हो गया 2x, 2x से भी 2 कम, तो y हो गया 2x माइनस 2, ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फिर से ले लो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, उसने बोला कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, इस बार उसने 4 कम बता दी, किससे, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स x हैं, 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x से 4 कम, 4x से 4 कम, ये 8th क्लास में आ जाती है इस तरह की सिचुएशंस जिनको आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना होता है, अब वो हमारी इक्वेशंस बन जाती है क्योंकि लेफ्ट में हम y नाम दे देते हैं उसको, तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ जाती हैं। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट, उसकी फ्रेंड की मदद करें ये पता लगाने में कि उसने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स ली हैं। अब बुक में ये बिल्कुल मेंशन नहीं है कि आप ग्राफिकली करो, लेकिन ये तीनों एग्जांपल्स हमने ग्राफिकली ही करने हैं। इन एनी कंडीशन अगर ये एग्जाम में आ जाए और मेंशन ना हो तो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब मैं इसकी डायरेक्ट आपको टेबल डायरेक्ट बना के दिखा रही हूँ, सॉल्व आप अपने आप कर लीजिएगा। x 0, जब आप x को 0 लोगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 माइनस 2 y माइनस 2 हो जाएगा। x 1 ले लो, 2 वन जा 2 और 2 में से 2 माइनस करोगे 0। x को 2 ले लो, 2 टू जा 4, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। और यहीं पर मैं सेकंड इक्वेशन ले रही हूँ, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ये x और ये बेटा y। फिर ध्यान देंगे, x को 0 ले रही हूँ तो y देखो ये खत्म हो गया ना, 0 बन गया, 0 माइनस 4 माइनस 4। एक्स को 1 लिया, 1, 4 बन जा 4, 4 में से 4 माइनस किया 0 आ गया। और एक्स को 2 लिया तो 4 टू जा 8 में से ये गया तो 4 आ गया। ये हमारे पास 3-3 पॉइंट्स आ जाते हैं। लेट्स चेक, अभी मैं इसका आंसर आपको पहले ही बता दूं, 2/4 1/2, और ये रेशियो 1 आ रही है। और बेटा जी 1/2 इज नेवर इक्वल टू 1, इसका मतलब a1/a2 is not equal to b1/b2, है ना भाई, a1 a2 ये होते हैं, b1 b2 ये होते हैं, ये रेशियो हम वर्बल देखे तो बराबर है नहीं, लास्ट वाले में बताना भूल गई ये रेशो वाली बात आपको, तो ये बराबर है नहीं, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन हमारा आने वाला है। वो सॉल्यूशन दिख भी रहा है वैसे तो, देखो 1 0 और 1 0, ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, इसका मतलब उसने 1 पैंट ली है और स्कर्ट्स वाई यानी 0 ली है, यानी स्कर्ट्स खरीदी ही नहीं है, उसने स्कर्ट्स परचेज ही नहीं की हैं। तो ये देखिए हमारा मैक्सिमम 4 तक ही जा रहा है हर तरफ, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड दिस इज 1 2 3 4, आप इन पर मार्क कर लीजिए, थोड़ा गैप में फ़र्क आ रहा है, आप जब स्केल से इसको करेंगे तो बहुत बेटर और ग्राफ आपको मिल जाएगा साफ सुथरा। चलिए 0 -2, x 0 y -2, ये गैप ज़्यादा हो गया है, x 1 y 0 और भाई x2 और y2, तो ये तीनों को जब मैं मिलाती हूँ तो ये मेरा फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाता है, x 0 y -4, ध्यान देंगे बेटा ये आ गया, x 1 y 0 ये आ गया,
एक्स टू वाई फोर, एक्स टू वाई फोर लगभग अपना यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला इसी से अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा सेकंड का ग्राफ आ गया एंड वी आर गेटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये कंसिस्टेंट है। और ये जो है ना, ये दिस इज द सॉल्यूशन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, मींस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 0, यानी नंबर ऑफ पेंट्स तो 1 लिया है उसने, ठीक है। पैंट्स तो एक पैंट ली है और उसने स्कर्ट कोई भी नहीं ली है, तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है भाई। एक पैंट ली है तो एक पैंट का डबल करोगे तो 2, और उसमें से 2 माइनस करोगे तो 0 स्कर्ट्स हैं। 1 पैंट ली है उसका 4 टाइम्स करोगे 4, उसमें से 4 माइनस करोगे तो 0 स्कर्ट आ जाएंगी, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल्स थे, इनकी हेल्प से आप अपना एक दो क्वेश्चन इसके कर सकते हो। अदरवाइज बाकी सभी क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चंस अपने रेशियो के हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज को लेकर चलूंगी, तब तक आप इनको रिवाइज करें, अपने आप से प्रैक्टिस करें। इन वीडियो लेक्चर्स को आप एज ए हेल्प लेके चला करें, पहले खुद प्रैक्टिस करें, नहीं आए तो आपने इनकी हेल्प लेनी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको परफेक्शन आप में नहीं आएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।